उत्तर प्रदेश में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस को चुनौती दी और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बता दें कि मामला बहादुरगढ़ का है, जहां पर भारत फाइनेंस कर्मचारी के 1,20,000 रुपए की लूट हो गई। बदमाशों ने पहले कर्मचारी से मारपीट की और उसके बाद उसका पैसों से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपका तो वो भी एडवांस ले लिया है, है? तो क्या मामला? मामला ये है सर, मैं मीटिंग करके आ रहा था। मीटिंग करके आया हूँ तो रास्ते में मेरे को लोगों ने लूट लिया, छीना, मेरी बाइक गिराई है पहले तो लात मार के, फिर मेरा पीठ पर बैग टंगा हुआ था, बैग उतारा उन्होंने, मैंने काफ़ी रोका उन्हें, मैं उससे चिपटा हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने लात घूसे दे करके मेरे को मारा। फिर वो एकदम अपनी गाड़ी को भगा करके ले गए, मैंने अपनी गाड़ी उठा करके तुरंत ही उनका पीछा किया है, मैं पीछा करता चला आया हूँ, चिल्लाता चला। क्या आदमी थे? क्या आदमी थे? दो आदमी थे, चिल्लाता चला आ रहा हूँ। कितने पैसे थे? पैसे उसमें 3 मीटिंगों का कलेक्शन। कितना होगा अंदाजा? जी अंदाजा उसमें होगा सर करीबन 1,20,000 रुपये करीब। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं आगरा का रहने वाला। कहाँ कहाँ से कलेक्शन करते हो? कलेक्शन आज का था सर पसवाड़ा।